हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वी आर बैक, वी आर लाइव अगेन। और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए देखते हैं कौन कौन ऑलरेडी आ चुके हैं क्लास में। हाय नैतिक, हेलो निधि, एक बार हाय लिखो गाइस चैट बॉक्स में। आई विल कॉल आउट योर नेम्स। तो प्रतीक्षा इज देयर, प्रिंसी इज देयर, हेलो 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 एवरीवन, हाय प्रतीक्षा, हाय निपुर, हाय सुहेब, हेलो सुप्रिया, प्रिंसी, नैतिक, पूजा, अजय, खुशी, सनम, निधि, ऑसम ऑसम टू सी यू ऑल, नाइस। हाय गीता, हेलो अंकित, हाय रंजन, ओके अभिषेक, सुशील, ऑसम गाइस, ऑसम टू सी यू ऑल। चलिए तो आज हम फिर से ट्वेल्थ का एक टॉपिक लेके आए हैं, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाइस नाइस टू सी यू दैट, नाइस टू सी दैट एनर्जी गाइस। हाय दिलीप, ज्योति वर्मा, ओके ऑसम। चलो तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्रिपरेशन एकदम मक्खन के माफिक स्मूथ चल रहा होगा और ऐसा ही चलना चाहिए, और इसको और स्मूथ बनाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब हम टूवर्ड्स एंड वी आर गोइंग, और इसके बाद हम कैपेसिटर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, तो ये सारी क्लासेस के स्केड्यूल्स हैं, आप ये जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है? कोई भी लेक्चर अगर छूट गया है तो डू वॉच द रिकॉर्डिंग। और यस, आपके सारे सेशन के पीडीएफ्स आपको यहाँ पे ऐप में मिलेंगे। आई होप ऑलरेडी यू आर गेटिंग दैट। मैंने आपको एक बार बता भी दिया था कि हाउ यू कैन गेट दैट, है ना, सारा प्रोसेस बता दिया था मैंने आपको। एंड दिस यस हमारा कमाल धमाल बेमिसाल ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अब जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। हम टीचर्स भी वहां पे लगे हुए हैं आपका ध्यान रखने के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथ चलती रहे। हेलो कपिल, जोश इज वेरी हाई, नाइस नाइस। चलिए तो गाइस ये लिंक है, अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, गो टू दिस लिंक और आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? अभी वेरी सून आपको चैट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, यू कैन डायरेक्टली क्लिक देयर एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। और ये गाइस वेदांतु सक्सेस स्टोरी। सो इस बार आपको पता होगा वेदांतु से बहुत ही शानदार रैंक्स निकल के आई हैं, और ये वो हीरोज हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने करके दिखाया है। तो इनकी सारी सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब पे आने वाली हैं, और कुछ स्टोरीज ऑलरेडी आ भी चुकी हैं सारे चैनल्स पे, आपके मेडिकल चैनल पे भी। तो प्लीज डू वॉच दैट, दैट विल मोटिवेट यू, और आपको पता चलेगा क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, है ना? चलिए वेरी गुड। और ये आपका ऐप का प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है, यू हैव टू क्लिक ऑन स्टडी, आपको ऑनलाइन पाठशाला मिल जाएगा, एंड देन यू कैन डाउनलोड योर नोट्स फ्रॉम देयर, है ना? हर क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड दिस अवर अमेजिंग द बेस्ट ग्रुप फॉर मेडिकल प्रिपरेशन इन इंडिया, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो गाइस। ऑल द नोटिफिकेशंस यू विल गेट आफ्टर सब्सक्रिप्शन, और ऑल्सो हिट द बेल आइकन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और also like the video, right? That means a lot to us. That will motivate us to create the awesome content like this. चलिए शुरू करते हैं guys। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? टॉपिक तो आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बट वॉट कैन यू सी हियर, आई टेल यू द रीजन। पहले तो आप बताइए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे सभी लोग? यस, क्या दिख रहा है यहाँ पे? अर्थ दिख रहा है क्या? रिवॉल्विंग, या एग्जैक्टली। तो देखो गाइस, वाई आई हैव आई टेकन दिस एग्जाम्पल हियर, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा आफ्टर अटेंडिंग सो मेनी क्लासेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि ये पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन के जैसा ही है, और यहां पे जो लॉस फॉलो होते हैं वैसे ही लॉस ग्रेविटेशन में भी फॉलो होते थे। तो अर्थ ग्रेविटेशन में आपने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, है ना, के आई मीन जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, यहां पर आपने फॉर्मूला देखा के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, इजंट इट? बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर है, सिमिलैरिटी है दोनों चैप्टर्स में। मैंने, आप याद करो, जब आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी तो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको कंपेयर किया था, यानी कि स्मॉल जी से। तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी हम उसे कंपेयर करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो चलिए सबसे पहले याद करते हैं कि हमने 11th में आखिर सीखा क्या था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपको शायद ये पता होगा कि एक सेकेंड, सॉरी गाइस, सो आई जस्ट राइट डाउन हियर। या आपको शायद याद होगा कि आपने जब ये देखा होगा कि मान लो अर्थ का मास अगर m है, और फिर अगर आपके पास कोई पार्टिकल है किसी r डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मान लो, ठीक है, यहां से मान लो r डिस्टेंस पे कोई एक पार्टिकल है जिसका मास अगर स्मॉल m है,
तो इस पार्टिकल की कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है इस फॉर्मूले से, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। चलिए बताइए किन लोगों को, कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? क्या आपने ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला देखा है सभी ने? यस, सिंपल फॉर्मूला राइट। अगर मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है, तो अगर आर डिस्टेंस पे आपने एक दूसरा मास लिया स्मॉल एम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी एम एम अपॉन आर। गुड गुड, नाइस नाइस, सौम्या राजन, ऑसम 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 टू सी दैट कि ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट, है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है और हमें ये आता है, बहुत अच्छे। अब अगर आप याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि ये फॉर्मूला आया कैसे था, तो अगर आपने इसका डेरिवेशन देखा होगा ना, तो डेरिवेशन कुछ ऐसे शुरू हुआ था, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढंग से समझ में आ जाएगा, जस्ट बी विथ मी। तो ये फॉर्मूला तो सभी को याद है, जी एम एम अपॉन आर, है ना, ग्रेट। अब ये जो फॉर्मूला आपने जब डिराइव किया होगा ना, तो आपने ये वाला थ्योरम यूज किया होगा। अब ये थ्योरम है वर्क पावर एनर्जी से, है ना। वर्क पावर एनर्जी में आपने ये पढ़ा होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या ये फॉर्मूला भी सभी को याद आ रहा है? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेगेटिव इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहां से आपने इसको डिराइव किया होगा जी एम एम अपॉन आर। कैसे डिराइव किया होगा? वर्क डन आप ऐसा लिख सकते थे ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर, और फिर फोर्स क्या होता था ग्रेविटेशनल में, जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर, इंटीग्रेशन करते थे तो फाइनल वो वाला आंसर आ जाता था। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं आज? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है और बिल्कुल सेम टू सेम चलता है ना। अब देखो, ये फॉर्मूला आने के बाद हमें ये समझ में आता था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, सॉरी दो मासेस हैं, मान लो m1 और m2, तो इसका मतलब ये होता है अगर वो r डिस्टेंस पे हैं, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाता है जी एम वन एम टू अपॉन आर। हम ये कहते थे कि अगर मान लो ये वाला मास इनफाइनाइट पे हो, इंफिनिटी पे हो, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग दैट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू समवेयर हियर, दिस मच ऑफ वर्क विल बी रिक्वायर्ड। फिर से सुनो एक बार, इसको समझना कैसे, ठीक है, इसको ऐसा समझना है कि अगर एक मास इनफाइनाइट पे है, अगर उस मास को उठा के मुझे यहां पे लेके आना है इस मास से आर डिस्टेंस पे, तो कितने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी? इतने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहां पे इतनी है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो इतना ही आ गया, है ना। और आप क्या कहते हो फिर कि अगर मैं इनफाइनाइट से मास को यहां पे लाना चाहता हूं, तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। ये बात सभी को समझ में आई क्या? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। दिस इज जस्ट रिवीजन ऑफ योर क्लास 11th। इससे आपके दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्लियर हो रहा है ना। चलिए, ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? इफ आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट, आप क्या बोलोगे? इतना वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे देख लो जल्दी से एक बार अर्थ वाले केस में फिर से, अगर मेरे पास एक मास है स्मॉल m, एक मास है स्मॉल m जो इंफिनिटी पे था, अगर मुझे उस मास को r डिस्टेंस पे लाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r, है ना, इतना वर्क करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, किसी ने लिखा चैट बॉक्स में, एग्जैक्टली। तो ये फॉर्मूला सिंपल से क्या हो जाता है? जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है, ये तो हमें समझ में आया है ना, ये बस रिवीजन है। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अब आप देखो, मजा आ जाएगा, सिमिलर फॉर्मूला यहां पे भी है। वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है, उसको तो एक बार साइड में रख देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप ध्यान से देख लो। मान लो आपके पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है यहां पे, ठीक है, और एक स्मॉल क्यू चार्ज है यहां पे। दो चार्जेस हैं, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू, मान लो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा के, जी के जगह क्या आ गया गाइस, के, है ना। यहां का कॉन्स्टेंट अलग होता है, 9 × 10⁻⁹, पहले बताया मैंने, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। समझ में आया क्या?
है ना, सिंपल थिंग बिल्कुल। जैसे पहले था ग्रेविटेशन में जी एम वन एम टू अपॉन आर, वैसे यहां पे क्या फॉर्मूला आ जाता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, वहां पे था जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, यहां पे क्या है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। बस इतना आप समझ जाओ, आपका काम खत्म, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या कहलाता है, कोई भी चार्ज q, स्मॉल q को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। आपको मैंने फोर्स के टाइम पे बताया था क्या होता है टेस्ट चार्ज, जस्ट यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम इस चार्ज का यूज करते हैं, है ना। तो स्मॉल q इज नोन एज टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग के लिए यूज किया है, दैट्स इट, है ना, डिवाइडेड बाई r विच इज डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए बताइए गाइस, समझ में आ गया क्या सभी को, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। वहां पे फॉर्मूला क्या था, जी एम वन एम टू अपॉन आर, यहां पे फॉर्मूला क्या है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। यहां पे भी एक चीज मैं कह सकता हूं, आई कैन से वन थिंग, कि अगर मुझे एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस पे लाना है, अब देखना ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग अ चार्ज, मान लो ये क्यू वन चार्ज है, मान लो एक चार्ज इनफाइनाइट पे है, ये मान लो इनफाइनाइट पे है क्यू टू चार्ज। If you want to bring this Q2 charge to this point, यहां पे जहां पे distance R है, तो कितना work करना पड़ेगा, that work will be equal to K Q1 Q2 upon R, यही same logic, ठीक है, ये वाला logic, change in potential energy is negative of work done by conservative forces। क्या gravitation में भी यही logic था, सोच के देखो, किसी मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, क्या वही था पोटेंशियल एनर्जी? तो यहां पे भी किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। प्रतीक्षा सिंह, या हाँ ये था लॉजिक, एग्जैक्टली सेम लॉजिक, राइट। क्या क्लियर हो गई पिक्चर एकदम, दोनों ही टॉपिक क्लियर हो गए क्या, दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लॉजिक सेम है, फॉर्मूला सिमिलर है ना, बहुत अच्छे। बट आज का टॉपिक क्या है गाइस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वैसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। अब यहां पे 90% बच्चों को डाउट होता है कि ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आ गया, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाउ, उसको कैसे विजुअलाइज करें, तो चलो उसको फील करते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फील करते हैं। अच्छा एक बात बताओ गाइस, क्या सभी को ये वाला फॉर्मूला याद है, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, सभी को याद है क्या? यस ऑल ऑफ यू, सभी को याद होगा, है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा यहां से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी तो हम क्या करते थे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते थे, याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, है ना। तो फॉर्मूला क्या आता था, जस्ट एफ आई मीन एफ डिवाइडेड बाय चार्ज, तो फॉर्मूला क्या आता था, के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, याद है। अगर आपको क्यू वन की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फॉर्मूला क्या आता था, के क्यू वन अपॉन चार्ज। ऐसा ही कुछ हमें यहां पे भी करना है, ऐसा ही कुछ हम यहां पे भी करेंगे। देखो क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यह है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। अगर मैं इसे यानी कि यू को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं, ध्यान से सुनना ठीक है, यू दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, अगर आप कर दें दैट इज स्मॉल क्यू, तो आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। सेम लॉजिक है, फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था क्या, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, जस्ट पोटेंशियल। तो V को हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल, अभी मैं डेफिनेशन वगैरह दे दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। और U को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसे स्मॉल क्यू से डिवाइड करो टेस्ट चार्ज से, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला हो जाएगा K capital Q upon R, that's it. K capital Q upon R is the formula of potential. But अगर वहां पे K capital Q small Q upon R लिखा है तो वो हो जाएगा formula of electrical potential energy. ठीक है, छोटी सी बात है, इतनी सी बात है बस, है ना। चलिए तो आई होप आपको पोटेंशियल क्लियर हुआ यहां से।
जो भी पोटेंशियल एनर्जी है अपॉन टेस्ट चार्ज कर लें, काम हो जाएगा। अब आप देखो डेफिनेशन फील आ जाएगी, ठीक है। पहले अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाता कुछ समझ में नहीं आता, बट आप अब डेफिनेशन समझ सकते हो। देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यूजुअली डिनोटेड बाई वीपी, ठीक है, वो तो अलग बात हो गई, इज डिफाइंड एज, अब यहां से ध्यान से सुनना, ठीक है, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी पॉइंट टू पॉइंट पी। देखो पहले मैंने आपको क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी समझाया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम पॉइंट, वो क्या होती थी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसको आप पर यूनिट चार्ज ले लो, पर यूनिट चार्ज मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज, तो क्या मिल जाएगा पोटेंशियल। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, समझो इस बात को। देखो क्या डेफिनेशन सभी को समझ में आ रहा है, देखो सिर्फ रटने से काम नहीं होगा, है ना, आपको रट लेने से एनसीईआरटी में मार्क्स मिल सकते हैं, सीबीएसई में मार्क्स मिल सकते हैं मेरा मतलब है, बट अगर ये समझ में आया है तभी आप नीट के क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी होता है पोटेंशियल एनर्जी। उसको अगर पर यूनिट चार्ज ले लें, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो क्या मिल जाता है पोटेंशियल। क्या सभी को फील आ गई क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना वर्क मुझे करना पड़ेगा इनफाइनाइट से चार्ज को किसी पॉइंट पे लाने पे, उसको डिवाइडेड बाई चार्ज अगर मैं कर दूं तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा, अगर मैंने डिवाइडेड बाई चार्ज नहीं किया तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, कितना वर्क लगा इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने के लिए। आ गई ना फील, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब ये तो हो गई बात फील की, हमें तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि नीट में या एम्स में ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गई, क्या अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें गाइस, यस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ओके। व्हाट्स एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट मतलब चार्ज को जो उठा के वहां से यहां ला रहा है, उस एक्सटर्नल एजेंट की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला ये तो मुझे आता है अब, है ना, अगर यहां पे एक चार्ज क्यू है तो आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट अगर है तो वहां पे पोटेंशियल कितना होगा के क्यू अपन आर। क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हो गया, आप चाहो तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये फॉर्मूला आपको आपके दिमाग में बस जाए, दिलो दिमाग में बस जाना चाहिए, है ना। तो के क्यू अपॉन आर इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, चलिए बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस फाइंड आउट पोटेंशियल एट ए, ऑल ऑफ यू आपको ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, यस कम ऑन ऑल ऑफ यू, ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा के टर्म्स में आंसर बताना, ठीक है। हाँ जी के टर्म्स में व्हाट इज द पोटेंशियल, ऑल ऑफ यू फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। अच्छा मिली सेइंग माइनस टू के, और कोई एनीवन एल्स विद द आंसर, ओके शेख नो प्रॉब्लम, अमीरा इज सेइंग टू के, गौरी इज सेइंग टू के, ओके अहमद इज सेइंग के, 8K भी आंसर आ रहा है, माइनस 4/3K भी आंसर आ रहा है, ओके 32K भी आंसर है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। देखो एक आंसर तो आ रहा है 2K, एक आ रहा है माइनस 2K, एक आ रहा है 4/3K, किसी ने तो 32K भी बोला है, ओके प्रतीक्षा इज सेइंग माइनस 2K, ओके 8K भी है एक आंसर, चलो ठीक है 8K, बहुत सारे आंसर्स है ना गाइस, तो ऐसे हम बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और बेसिकली ऐसे ही ऑप्शन क्रिएट भी किए जाते हैं। एक क्वेश्चन बनाओ, बहुत सारे लोगों को दे दो, अलग अलग आंसर आएंगे, चार ऑप्शन चूज करके दे दो, 3K, अच्छा 3K भी है और K भी है, बहुत सारे आंसर्स है। चलो ठीक है देखते हैं समझते हैं, ठीक है लेट्स सी गाइस हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, यू जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर चार्ज नेगेटिव है ना तो उसका साइन आपको कंसीडर करना चाहिए। इसका रीजन क्या है, कैन एनीवन टेल वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बताना वर्क कैसी क्वांटिटी होती है गाइस, स्केलर या वेक्टर, क्या स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क, यस ऑल ऑफ यू
है ना, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी ही है। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यहां पे आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है गाइस, देखो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, सही बोल रहा हूं क्या, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। एनर्जी का फॉर्मूला होता है जूल, आई मीन यूनिट होती है जूल, एसआई यूनिट, और चार्ज का कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट, ठीक है, जूल पर कूलम्ब इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। तो ठीक है, हमें वोल्ट में आंसर बताना है और यह ध्यान रखना है कि यह पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए तो ये चीजें ध्यान में रख के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ओके। अब देखो ये इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, हाउ मेनी चार्जेस आर देयर विच विल क्रिएट पोटेंशियल एट ए, टू चार्जेस आर देयर, एक चार्ज तो ये वाला है, एट वाला है ना। अगर देखा जाए एट से ए का डिस्टेंस, एट कूलम्ब वाले चार्ज से ए का डिस्टेंस तो ये है 4 मीटर, तो जो पोटेंशियल 8 कूलम्ब वाला चार्ज जनरेट करेगा उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, के को तो ऐसे ही रहने देते हैं बिकॉज आई वॉन्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ के, क्यू हो गया 8 डिवाइडेड बाई आर हो गया 4, यानी कि यहां पे पोटेंशियल आ गया 2k, सही कर रहा हूं क्या, देखो है ना 2k आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू 8 कूलम्ब चार्ज, ओके फाइन। अब आ जाते हैं पोटेंशियल ड्यू टू दिस -4 कूलम्ब चार्ज। जब भी आप पोटेंशियल लिख रहे हो बिकॉज ऑफ एनी चार्ज आप उसका साइन भी कंसीडर करना कि वो प्लस है या माइनस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो जब आप फोर्स लिखते थे ना तो आप कई बार साइन कंसीडर नहीं करते थे बट आप उसका डायरेक्शन कंसीडर कर लेते थे, आप ये खुद सोच लेते थे कि अच्छा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है तो, अगर एक नेगेटिव है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो एक तरह से वो साइन का हम यूज कहां करते थे, डायरेक्शन में। बट यहां तो ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की कोई बात है ही नहीं, तो आपको जो भी साइन है वो यहां पे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द कॉमन मिस्टेक जो आपने यहां पे किया होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ सॉल्व करते हैं। तो -4 कूलम्ब चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल, के इंटू -4 डिवाइडेड बाई 1, है ना, के इंटू -4 डिवाइडेड बाई 1, एग्जैक्टली प्रतीक्षा, अगर साइन कंसिडर नहीं किया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आपको साइन का ध्यान रखना है। तो बताइए कितना आ गया ये -4k। और अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको डायरेक्शन देखना पड़ता था, अच्छा ये इधर है वो उधर है तो कैसे सॉल्व करें, वेक्टर आ जाता था, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट दोनों को आप ऐड कर दो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा वी टोटल, ये इन दोनों का समेशन होगा, 2 - 4 - -2, है ना, तो -2k इज द करेक्ट आंसर, इट इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए। चलिए बताइए समझ में आएगा सभी को, यस ऑल ऑफ यू गॉट इट। तो जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है बच्चों वो बस ये है कि आप साइन के साथ लिखो फॉर्मूला पोटेंशियल का, अगर आपने साइन के साथ लिख दिया आपका आंसर सही होगा, और फिर वेक्टर है ही नहीं, स्केलर है, डायरेक्ट ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कहानी खत्म है, है ना, गुड। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज हम, ज्यादा क्वेश्चन ही करेंगे आज, ठीक है। चलिए शैल आई मूव अहेड नाउ, यस चलो बहुत अच्छे। तो ये इसका आंसर आ गया, आप एक बार सॉल्यूशन देख लो अगर चाहो तो, वैसे मैंने आपको दे दिया सॉल्यूशन ऑलरेडी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि यहां पे 3 पॉइंट्स हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं वैसे तो, इस वाले पॉइंट पे यानी कि ए पॉइंट पे उसे चाहिए पोटेंशियल 0, ठीक है, ए पॉइंट का पोटेंशियल उसे चाहिए 0, और आपके पास उसने डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस दे रखे हैं, जैसे 3 कूलम्ब चार्ज यहां पे, क्यू यहां पे है और 3 कूलम्ब यहां पे है। वो आपसे पूछ रहा है कि इस q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि इस q की वैल्यू इज हाउ मच सो दैट पोटेंशियल एट a इज 0, q की वैल्यू कितनी कर दें कि पोटेंशियल a पे 0 हो जाए। चलिए ऑल ऑफ यू ट्राई करिए, सभी लोग प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। आई हैव गॉट वन आंसर -3/4 कूलम्ब फ्रॉम देवांशी, ओके ठीक है। ओके और अदिति सिंह 24/5c, ठीक है ओके देखते हैं विच वन इज करेक्ट।
मिलीत सेइंग 24/5, देवांशी सेइंग -3/4. हाँ अच्छा, अब मिली का आंसर चेंज हो गया है, -24/5. सोनम का कहना है सर जी डी होना चाहिए. ओके देखते हैं, देखते हैं सोनम. फाइन या थैंक यू, थैंक यू टॉरी. हाँ -24/5, चलो देखते हैं. ठीक है, देखो एक लॉजिकल बात आपसे करते हैं. ठीक है, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना यहां पे 3 कूलम्ब है ना, लेट सॉल्व इट. एक्चुअली द करेक्ट आंसर शुड बी, आई थिंक ए शुड बी द करेक्ट आंसर. हाँ -24/5 शुड बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल. तो डी जो कह रहे हैं वो गलत है. अच्छा ऐसा क्यों है, पहले देखो एक कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है, फील आ जाएगी क्वेश्चन की. एक कॉमन सेंस यूज करो आप, क्या ये वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज भी क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों ही चार्जेस मिलके क्या यहां पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेंगे, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में प्लस प्लस आएगा ना, 3k/r +3k/r. तो इसका मतलब ये है अगर यहां पे मुझे जीरो पोटेंशियल चाहिए तो इस चार्ज को तो नेगेटिव ही होना पड़ेगा ना, तभी तो जीरो होगा. सोच के देखो, कॉमन सेंस है ना. मतलब आंसर या तो ए होगा, बी होगा, या तो सी होगा, डी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. क्या समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये दोनों चार्जेस ही पॉजिटिव हैं, ये दोनों मिलके पॉजिटिव पोटेंशियल ही यहां पे इंड्यूस करेंगे, तो थर्ड चार्ज को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ना. चलो अब देखते हैं, हर एक चार्ज की वजह से लेट्स राइट डाउन द पोटेंशियल, हो जाएगा काम हमारा. ठीक है, तो देखो ड्यू टू दिस चार्ज कितना पोटेंशियल आएगा ए पे, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू +3, ऐसा लिख लो. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, यानी कि के क्यू इज 3, चार्ज इज 3 अपॉन आर. आर कितना है, आर ये वाला डिस्टेंस है ना, जो कि कितना दिया हुआ है मुझे 5 मीटर दिया हुआ है. देखो तो क्या लिखूंगा मैं, K3/5. डन. अब देखो लिखते हैं क्यू की वजह से, क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल आ जाएगा बताओ, के स्मॉल क्यू अपॉन आर अगेन, और आर का डिस्टेंस कितना है यहां से 4 मीटर. 4 मीटर है क्या, सभी लोग देखो इस पॉइंट से ए का डिस्टेंस इज 4 मीटर दिया हुआ है मुझे, तो आई विल राइट के क्यू अपॉन 4, है ना, ये हो गया. नाउ अगेन दिस चार्ज, ये थर्ड चार्ज, ये थर्ड चार्ज भी यहां से 5 मीटर डिस्टेंस पे ही है, तो इसका पोटेंशियल भी आप कितना लिखोगे, K(3/5). अब हो गया, अब ये तीनों पोटेंशियल को ऐड करो और इसको इक्वेट कर दो जीरो से, है ना, तीनों पोटेंशियल को ऐड करो, इक्वेट करो जीरो से, आंसर आ जाएगा. तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे तीनों पोटेंशियल को ऐड किया, K3/5, 4K/4, K3/5, तीनों को ऐड करके इसको आपने इक्वेट कर दिया जीरो से, क्योंकि आपको पोटेंशियल जीरो चाहिए था. आ गया आंसर, है ना, -24/5C. ऑटोमेटिकली देखो माइनस आ रहा है, आ रहा है ना माइनस साइन, अपने आप माइनस साइन निकल के आएगा. क्या क्वेश्चन आपको टफ लगा गाइस, नहीं ना, क्या आपको समझ में आया, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया, इजी है ना पोटेंशियल के क्वेश्चंस. एक बार आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया देन यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस. ओके ओके नाइस नाइस, चलिए ए वाज द करेक्ट आंसर, कोई बात नहीं देवांशी, फाइन होता है. अब देखो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अब इससे हमें यह समझ में आया कि अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग चार्जेस हैं, है ना, मान लो Q1 यहां पे है R1 डिस्टेंस पे, Q2 है R2 डिस्टेंस पे, Q3 है R3 डिस्टेंस पे, Q4 है R4 डिस्टेंस पे, और अगर आपको इस पॉइंट पे लिखना है पोटेंशियल, P पॉइंट पे अगर आपको लिखना है पोटेंशियल, तो सिंपल सी बात क्या है, यहां पे तो वेक्टर है नहीं, आपको वेक्टर एडिशन की जरूरत है नहीं, अलग अलग डायरेक्शन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है, सुपरपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको, K Q1/R1, K Q2/R2, जोड़ते चले जाओ बस, सभी का पोटेंशियल लिखो, ऐड कर दो डायरेक्ट. क्यों, क्योंकि वेक्टर नहीं है ना, आसान हो गया काम. अगर वेक्टर होता तो सोचो हालत खराब हो जाती, हर किसी का डायरेक्शन अलग होता, ऐसे 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 ऐसे. अगर फोर्स हो तो सोच के देखो आप, है ना, फोर्स हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर कैलकुलेट करना, और फिर आपको या ऐड करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, बट दिस इज स्केलर, आराम से ऐसे आप लिख सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे गाइस, आगे बढ़ते हैं. ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ ऑल ऑफ यू, एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन कराओ, मजा आ रहा है. या विल बी डूइंग क्वेश्चंस. अ ग्लोब इज फिटेड विथ आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स,
यस प्रतीक्षा, बहुत टाइम लग जाता अगर वेक्टर होता। हाँ जी, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल नेक्स्ट क्लास। यस, पार्टिकल्स ऑफ चार्ज क्यू ऑन द इक्वेटर एंगुलर सेपरेशन ऑफ 30 डिग्री, रेडियस ऑफ ग्लोब इज गिवन टू बी आर, फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर। कम ऑन गाइस, कम ऑन, हो सकता है। आसान क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हो, प्लीज ट्राई करो ऑल ऑफ यू। यस, सो आई एम गेटिंग, सोनम इज सेइंग जीरो, ओके सोनम जीरो कह रही, गौरी सेइंग जीरो, नैतिक बोल रहा है जीरो, अदिति सेइंग जीरो, ओके तो बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं आंसर, है ना। अदिति का जीरो आया, ओके किशन इज सेइंग जीरो, कृष्णा इज ऑल्सो सेइंग जीरो, ओ माय गॉड, तो बहुत सारे बच्चे जीरो कह रहे, मेजॉरिटी ऑफ यू आर सेइंग इट इज जीरो, है ना। बट आंसर जीरो नहीं है, आंसर इज नॉट जीरो, आंसर इज ए, आंसर होगा 12 KQ/R। अब आपने फिर से वही गलती कर दी, आपने पोटेंशियल को वेक्टर ले लिया और सब कुछ कैंसल करा दिया। अरे पोटेंशियल तो वेक्टर है ही नहीं, है ना, ये पोटेंशियल वेक्टर थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी है कि किसी पॉइंट पे इस चार्ज ने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इस वाले चार्ज ने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो जीरो, वो पॉइंट नहीं है यहां पे, ये तो स्केलर है ना, ये तो सिंपल सी स्केलर क्वांटिटी। अब आप देखो, अभी अभी हमने क्या देखा था पिछली स्लाइड में, कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं सबका पोटेंशियल लिखो और ऐड कर दो। क्या ये सारे ही चार्जेस Q हैं, पॉजिटिव Q, है ना, तो हर चार्ज की वजह से सेंटर पे जो आप पोटेंशियल लिखोगे वो कितना होगा, KQ/R + KQ/R, ऐसा लिखते जाओ, है ना। हाउ मेनी टाइम्स यू विल राइट, जितने चार्जेस हैं उतने टाइम्स, तो कितने चार्जेस होंगे, पूरा एंगल होता है 360 सर्कल में, दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन है 30, तो 360/30 कितने चार्जेस हो गए, 12 चार्जेस, है ना। जैसे आपकी घड़ी में टाइम होता है 12, है ना, 12 तक, तो उसके बीच का एंगुलर सेपरेशन कितना होता है 30, सेम लॉजिक यहां पे भी है, अगर एंगुलर सेपरेशन 30 है तो 12 चार्जेस होंगे, 12 चार्जेस विल बी देयर। यस, कोई बात नहीं सोनम, इट विल कम स्लोली, कोई बात नहीं, सबको अपना अपना मिस्टेक समझ में आ गया क्या, कि क्या मिस्टेक किया आपने। यस, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू ना तो वो जीरो आएगा, सोच के देखो, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बैठ गया तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि हर चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 प्रोड्यूस करती जाएगी, एंड दे विल एक्चुअली कैंसल आउट ईच अदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे, बट क्या पोटेंशियल जीरो है, नहीं। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल का जीरो होना जरूरी नहीं है, है ना। यस एग्जैक्टली, तो क्या सभी का आंसर आ गया गाइस, दिस विल बी एडेड लाइक 12 टाइम्स, और 12 टाइम्स इसको आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 KQ/R। एग्जैक्टली, सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है मेरी, नॉट द वेक्टर सम, है ना, अब गलती नहीं होगी। नाइस, ओके, बहुत बढ़िया। प्रिंस इज सेइंग 12 KQ/R cos 30 नहीं होगा क्या, नहीं, cos 30 क्यों होगा, सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ग्लोब बोला ना, सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आर ही तो होगा, इस सेंटर से, सेंटर ऑफ द ग्लोब से। आप इमेजिन करो ना, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर और पेरीफेरी का हर पॉइंट कितना डिस्टेंस है, आर, तो आर ही तो होगा, कॉस 30 कोई जरूरत ही नहीं उसकी, है ना। यस, 30 तो वो बस इसलिए बताया है कि कितने चार्जेस हैं ये आप कैलकुलेट कर सको। ओके चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ओके, इट इज नॉट द सेम क्वेश्चन, सर नंबर ऑफ चार्ज समझ में नहीं आया। देखो उज्मा क्वेश्चन में बोला था कि पूरे सर्कल में 30 डिग्री सेपरेशन है दो चार्ज के बीच का, तो पूरा एंगल तो 360 होता है ना, 360 में अगर हर 30 डिग्री में एक दो चार्जेस हैं तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ चार्जेस 360/30, वो तो 12 ही आएगा। जैसे आपका वॉल क्लॉक जो होता है ना, क्लॉक में टाइम देखो 12 तक होता है क्या, सबके बीच का एंगुलर सेपरेशन 30 होता है उसमें, सो दैट इज द पॉइंट। ओके चलिए, ऑल ऑफ यू डू इट, यस कम ऑन, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे उसे चाहिए क्या, पोटेंशियल एट द नॉर्थ पोल ऑफ द ग्लोब। एग्जैक्टली प्रतीक्षा, तो क्या आंसर आ रहा है बताइए। ओके, देवांशी सेइंग 12 KQ/R
2R, सुब्रता इज सेइंग रूट 2R, ओके, अदिति सिंह ए होगा सर, तो ए वाले काफी ज्यादा हैं यहाँ पे इस बार, है ना, अदिति का ए आया, फाइन फाइन, यस सही है, ए सही होना चाहिए, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट गाइस, दोज हु आर गेटिंग ए, बहुत अच्छे, नाइस जॉब, देखो कुछ भी नहीं है, इस बार उसने पूछ लिया फाइंड द पोटेंशियल एट द नॉर्थ पोल ऑफ द ग्लोब, सेंटर पे नहीं पूछा उसने, है ना, वो यहां पे नहीं पूछ रहा है बल्कि यहां पे पूछ रहा है नॉर्थ पोल पे। अब आप सोचो एक स्फीयर है आपके पास, स्फीयर का ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है वहां पे जब कोई भी चार्ज होगा तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा नॉर्थ पोल से, रूट टू आर होगा, कैसे इसको इमेजिन करें, देखो मान लो ये सेंटर है, ठीक है, स्फीयर का, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करो, यहां से एक ऐसे ड्रॉप करो, ये वाला आर हो जाएगा, ये वाला भी आर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस लगाओ, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर परपेंडिकुलर इज आर, बेस इज आर, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू आर। अब सारे पॉइंट्स के लिए वही चीज ट्रू है, देखो सारे पॉइंट्स के लिए ये चीज ट्रू है, क्योंकि ये तो पूरा एक सर्कल बन रहा है ना, ये पूरा एक सर्कल है और पॉइंट यहां कहीं पे उसके ऊपर रखा हुआ है ना, यहां पे पॉइंट है और यहां पे सर्कल है, तो हर चार्ज का डिस्टेंस वहां से बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है, और हर चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट टू आर, और कितने चार्जेस हैं 12, क्या हर चार्ज सेम है, यस एवरीथिंग इज क्यू, तो आप क्या लिखोगे 12 टाइम्स के क्यू अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है रूट टू टाइम्स आर, यस गुड क्वेश्चन राइट, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो आज मैं ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस कर रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे, ओके समझ में आ गया सभी को, यस रूट टू आर विल बी द डिस्टेंस, इजी राइट, चलो बहुत अच्छे, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब देखो ये वाला, ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, क्या इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था गाइस, डू यू रिमेंबर, एक्सिस ऑफ द रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, यहां पे अगर एक्सिस ऑफ द रिंग पे हमें पोटेंशियल चाहिए तो कैसे निकालेंगे, सौम्या सेइंग वी किल्ड इट, यस यस सौम्या वी किल्ड इट एग्जैक्टली, तो इफ यू हैव अ चार्ज्ड रिंग, यानी कि चार्ज यहां पे देखो पेरिफेरी पे चार्ज है इसके, ठीक है ऐसे, और इसकी एक्सिस पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, देखो कैसे निकालेंगे, एक्सिस ये रहा, ठीक है दिस इज द एक्सिस, ये रहा पॉइंट पी, ठीक है, और यहां पे मुझे चाहिए पोटेंशियल। अब देखो कैसे करेंगे, कोई भी चार्ज आप ले लो यहां पे पेरिफेरी पे, और उसका अगर आप डिस्टेंस निकालोगे पॉइंट पी से, तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, क्या दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल सभी को, ये वाली डिस्टेंस है एक्स, ये वाला डिस्टेंस है ए, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, बताओ ऑल ऑफ यू, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या गाइस, सोच के देखो, है ना, एक रिंग है उसका एक्सिस है, एक्सिस पे एक पॉइंट रखा हुआ है, तो रिंग से उसका डिस्टेंस कितना होगा, दिख रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है, यस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, रेडियस ए है, तो हाइपोटेन्यूस ये वाला ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या सभी चार्जेस के लिए डिस्टेंस इतना ही होगा, एग्जैक्टली कोई भी चार्ज आप ले लो राइट, कोई भी चार्ज आप ले लो रिंग पे, सभी का डिस्टेंस इतना ही होगा, सारे के सारे उतना ही डिस्टेंस रखेंगे वहां से, तो अगर ऐसा हो गया तो आप क्या लिखोगे, के टोटल चार्ज ऑन द रिंग अपॉन डिस्टेंस विच इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, सिंपल है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, और क्यू क्या है यहां पे, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, जितना भी टोटल चार्ज है रिंग पे वो आपको लिख देना है, क्या सभी को समझ में आ गया ये, यस ऑल ऑफ यू, है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मॉड्यूलस नहीं है वो ब्रैकेट है, दिस इज नॉट अ मॉड्यूलस, दिस इज जस्ट अ ब्रैकेट, ओके। अब एक क्वेश्चन कराएं अच्छा सा, लेट्स डू वन क्वेश्चन राइट, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, आप सभी को इसका आंसर देना है, चलो ट्राई ऑल ऑफ यू, तो यहां पे दो रिंग्स हैं, ओके आई एम सॉरी, यस कम ऑन गाइस, सो देर आर टू रिंग्स बेसिकली, गलती से आपको आंसर दिख गया कोई नहीं, चलो कोई नहीं गाइस, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व राइट, चलिए ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व इट, कम ऑन, तो एक बार मैं ये हटाने की कोशिश करता हूं, कुछ आ गया यहां पे, हाँ गया, ऑल ऑफ यू चलो, फिगर शोज टू कोएक्सियल रिंग्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू हैविंग चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू, देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एच, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस एच है ना, सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज एच, तो वो पूछ रहा है मिड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा,
डी आ रहा ना आंसर। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखो, पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू रिंग, या तो यहां पे पूछ रहा है वो, है ना। हियर ही इज आस्किंग हाउ मच इज द पोटेंशियल, तब भी डी ही आएगा ना सोनम। नाइस नाइस, चलो आपको अगर आंसर दिख भी गया तो भी कोई बात नहीं है। यस अदिति इज करेक्ट, डी से डॉक्टर, हाँ बहुत सही। देखो सबसे पहले आप इसकी वजह से पोटेंशियल लिख लो। एक रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होता है किसी एक्सियल पॉइंट पे, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, सही है। अच्छा आप देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h by 2 हो जाएगा क्या, क्योंकि मिड पॉइंट पे निकालना है ना। तो दिस इज अवर पॉइंट P जहां पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो h by 2 और वो वाला भी h by 2 है ना, एग्जैक्टली। या थैंक यू स्नेहा। तो देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्सिस का डिस्टेंस चार्ज से कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस एच बाई टू का स्क्वायर, सही लिख रहा हूं क्या, देखो सब लोग, अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस एच बाई टू का स्क्वायर। सिमिलरली इसके पेरिफेरी से इसका डिस्टेंस ये वाला कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर टू स्क्वायर प्लस एच बाई टू का स्क्वायर, है ना। अब कुछ भी नहीं है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू वन अपॉन दिस डिस्टेंस विच इज अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस एच बाई टू का स्क्वायर, करेक्ट देवांशी, सेम फॉर्मुला दोनों पे यूज कर लेंगे। प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू टू अपॉन अंडर रूट आर टू स्क्वायर प्लस एच बाई टू का स्क्वायर, आंसर डन, ठीक है, डन अंडरस्टेड, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, गॉट इट ऑल ऑफ यू, या ऑसम। चलो तो ये क्वेश्चन देखने में टफ है, बट सी इफ यू नो पोटेंशियल वेरी बेटर, इट इज वेरी इजी, राइट, बहुत ही ज्यादा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो गाइस, सो दैट्स इट, एंड टुडे वी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियल। आई गेव यू सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्मुला यूज कर रहे हो, इफ द चार्ज इज नेगेटिव, फॉर्मुला में नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे गाइस, सो सम मोर इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, फिर हम क्लास एंड करते हैं आज की। सो यस, दिस इज द सक्सेस स्टोरीज ऑफ टॉपर्स, ईच एंड एवरी चैनल में ये वीडियो जाने वाला है, तो प्लीज डू वॉच इट इन द यूट्यूब, राइट। यस एंड ऑल्सो गाइज, ये आज का था स्केड्यूल, इफ यू हैव मिस्ड एनी क्लास डू वॉच द रिकॉर्डिंग। यस एंड डाउनलोड दिस ऐप, यहां पे आपको सारे सेशन पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। एंड यस, ये हमारा ऐप का प्रोसेस है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यू हैव टू सेलेक्ट योर ग्रेड, अगर आप 12th में हो 12th, 11th में हो तो 11th करना पड़ेगा आपको, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द स्टडी वाला थिंग। देखो यहां पे स्टडी आ जाएगा, एंड देन यू कैन गो टू द ऑनलाइन पाठशाला, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, राइट। चलिए बहुत अच्छे, एंड दिस टेलीग्राम ग्रुप धमाल मचा रहा है, ये यहां पे एपी सर भी है, ऑल द टीचर्स आर देयर, वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, तो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, एंड यस फाइनली सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो गाइस, दैट मीन्स अ लॉट, दैट विल मोटिवेट अस टू क्रिएट ऑसम कॉन्टेंट लाइक दिस। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल।